तो देख देखिए 13 जुलाई 1997 का ये प्रोग्रेस आया था स्टेट्समैन से, एरो ऑफ बार स्टेटमेंट ने इसको कवर किया था। और ये देखिए ये सब चिक्स आया था, कौन सा चिक्स है बताइए। ये तो रिंग नेक, ये रिंग नेक का चिक है, और ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला देखो द डाव, ये डायमंड डाव है, डायमंड डाव, और इसमें रिंग नेट का जोड़ा है। अच्छा, और ये नीचे अम्ब्रेला क्रेस्टेड कॉकेटू जो नीचे दिखाया आपको, ये बच्चा, ये वाला बच्चा है ना। अच्छा, यही वाला बच्चा आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, नीचे 1997 का बॉर्न है, मतलब 23 एज हो गया अभी, 23 ग्रेट का ग्रेट। तो स्टेटमेंट ने इसको कवर किया था। एक ऑफिन से जिसे फिर से एक दिया है, और इसका एक चीक है जो आपको दिखाएंगे। आइए एक बार देख लीजिए, पिछले टाइम आपको दिखा नहीं पाए थे, तीन था एक बॉक्स में चला गया और दो बाहर है। काफी प्लेफुल है और काफी नॉटी है, और लॉडी होता है कभी नॉटी ना गगू, वेरी प्लेफुल। हाँ, इनका उम्र कितना हुआ अभी, एज कितना हुआ? ये नया है लेकिन इसका फूड चॉइस है ग्रीन। हाँ, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल, पिछले वीडियो में काकू शेयर कर रहे थे, एक ग्रीन फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अभी गॉफिंग्स का जो चिक्स है उनको देखेंगे। टार्कोजिन का भी चिक्स आया है, काफ़ी बढ़िया खबर है, मतलब टार्कोजिन का चिक्स भी आपको दिखाएंगे। चलिए आइए, वाओ ग्रेट, देखिए फ्रेंड्स दो चिक्स बाहर आ गया है टार्कोजिन का, दो ही एक दिया था काकू, दो ही एक दिया था। अच्छा, एक नीचे है और एक माँ के साथ है, ये इधर एक है, ठीक है, दोनों एक ही कलर पे आया ना। वाह, कब निकला बॉक्स से? 7-8 दिन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपने से खा रहा है? थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स भी फीड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ग्रेट। और ऑस्ट्रेलिया का चिकन? हाँ, ऑस्ट्रेलिया ग्रास पैकेट में आता है ना। अच्छा अच्छा, तो ये लोग तो फ्रूट टूट सभी खाता है। फ्रूट मीन्स आई गिव देम एप्पल एंड क्यूकम्बर। अच्छा, एप्पल एंड क्यूकम्बर देते हैं। शशा और एप्पल। और चना चना वगैरह खाते हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और फीमेल का फिर से एक दिया है, फीमेल ने फिर से एक दिया है, फिर दिया है अंदर में, मैं एक दे दिया। हाँ हम ये खाना निकालेगा आपको। अच्छा, थोड़ा खाना भी दिखा देते आपको। हाँ, पिछले वीडियो में काकू जो बोल रहे थे, ये देखिए जिसमें राइस है, जिसमें राइस है, व्हीट है, ज्वार है, ज्वार है, भुट्टा है, भुट्टा है, डिफरेंट किस्म का दाल है। हाँ, दाल भी है, पल्सेस, ये सब खाते हैं और उसके साथ सीध जाता है। हाँ, उसके साथ तो टार्कोजिन का चीज आया था, आपको कैसे देखने को मिलेगा ये सोचा नहीं था, काफ़ी बढ़िया था। चलिए, एक्चुअली हम लोग क्या होता है, फेस चीज देते हैं, तो फेस चीज को फेस रखने के लिए काफ़ी सारा जहर बोलिए, पॉइजन बोलिए, उसमें यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव जिसको बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव जिसमें प्रिजर्व होता है। हाँ, वही देना पड़ता है उसमें, तभी अच्छा रहता है, इट लास्ट लॉन्गर, इट लास्ट लॉन्गर। हम लोग वो पैसा देकर खरीद के ले आते हैं, हमसे 100 रुपया 150 रुपया देकर ले आते, देखने में सुंदर है। हाँ, देखने में सुंदर है, ग्लिटर्स। हम जो देता है सच बात, हम इतना उम्र में हम मीठा ले, झूठ नहीं बोल रहे, हम जानते हैं आप तो झूठ का कोई सवाल ही नहीं है। हमको बहुत आदमी बोला ये बिलायती चिड़िया, बिलायती खाना नहीं देने से चलेगा कि हमारा, तुम इंग्लैंड में चला गया और इधर में क्या चावल और आटा लेके गया, उधर खाएगा, उधर का लोकल खाना नहीं खाएगा, खाएगा तो सोचो जो चिड़िया जन्म लिया वो किधर किधर में जन्म लिया, दे आर ओनली फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो चिड़िया हम लोग पालता है सभी जगह गर्म है, कोई जगह ठंडा नहीं है, हॉलैंड में चिड़िया नहीं होता है, इंग्लैंड में चिड़िया नहीं होता है, उधर में ब्रीड होता है, उसका बाद हम लोग लेता है।
सब ऑस्ट्रेलियन चिड़िया है, इक्वली हॉट लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का चिड़िया है, इक्वली हॉट लाइक अफ्रीका इंडिया, इंडिया तो हॉट ही है और ऑस्ट्रेलिया बोला अफ्रीका है, अफ्रीका है इंडिया, और तो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन जो चिड़िया है उसमें इक्वली हॉट। सो हॉट क्लाइमेट में एक ही सीड्स का, एक ही फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। सो हम लोग बहुत आदमी बोलते हैं ये मैकाओ लेके आया, इसको मैकेडेमिया नट्स नहीं बेकर नहीं चलेगा, इसको वैसा दो, काजू नट दो, वॉलनट दो, वैसा दो। हम एक्सपेरिमेंट किया, ग्राउंड नट इज इक्वली गुड। अच्छा हाँ, ग्राउंड नट इज इक्वली गुड। ये लोग क्यों डरता है, सो दैट एवरीबॉडी डज नॉट कीप कॉस्टली बर्ड्स। इसके लिए डर का साइकोलॉजी छोड़ दिया बाजार में, फॉरेन चीज़ इम्पोर्ट खाना ले आना पड़ेगा, उनको सप्लीमेंट देना पड़ेगा, उनको तरह तरह का फूड देना पड़ेगा, और नहीं तो चिड़िया मर जाएगा ना। तो फ्रेंड्स कभी अच्छा टाइम पे आया, इसका भी खाने का टाइम हो गया और आंटी जी इनको खिला रहे हैं। ये मैडम जी है हम लोगों के लिए, और एक इसका तो आप देखे ही थे, तुम्हें खाओ बाबू, तुम्हें कुछ खाओ। ओके अभी पहचान गया लोगों ने, वो सबको पहचान गया। छोटा ना, बहुत छोटा है। अच्छा अच्छा, रात को भी खिलाना पड़ता है, रात में तो बहुत छोटा है ना। अच्छा अच्छा, कल रात को हम 2:30 बजे खिलाएगा, 2:30 बजे ना बाबू डाके जाम कर देगा। ये मुट्ठा है, अच्छा मुट्ठा देखो, अन्य समय बच्चा गुलो तो बड़ो हो आसे, बड्ड छोटो तो इसका भी उम्र कितना हुआ, मतलब कितना दिन का है? 20 डेज। अच्छा अच्छा, 20 डेज का है फ्रेंड्स अभी। ये हम लोग निकाला था 4-5 दिन, एकदम छोटा ही, इतना छोटा। हाँ हाँ, नहीं तो इसको भी मार देता उसका पेरेंट्स, नहीं तो इसको भी मार देता। इसे 2-3 दिन के उम्र में इसको निकल के ले आया था सर जी ने, और काफ़ी रिस्क में और काफ़ी टेंशन में भी था। अभी भी टेंशन है? हाँ नहीं, अभी टेंशन में तो अभी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि अभी तो ये देखिए काफ़ी फैमिलियर हो गया है और काफ़ी इजीली ये अभी फीडिंग भी ले रहा है और ग्रो भी हो रहा है। हाँ अभी पहचान भी गया है। तो इसका क्या फास्ट ट्रेनिंग है, इसका अभी फास्ट ट्रेनिंग है ना, पहले भी खिलाया, पहले भी खिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ऑलरेडी ट्रेनिंग इनका कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये फैमिली का हाँ, वो है यंगेस्ट। अच्छा, आई एम द ओल्डेस्ट। राइट राइट। हाँ फ्रेंड्स, अभी जो भी चीक्स आएगा इसको ही देखना पड़ेगा, इसको ही जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। देखे
भर गए ना। इस टाइम खाना तो अभी इसके बाद की फिर कब देना पड़ेगा? तीन घंटा बाद। तीन घंटा बाद। ओ ये जो क्या मतलब खिलाया आपने तीन घंटे तक रहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा बच्चा की तरह। अभी देखिए फेदर भी आ गया, इसका रिंग भी काकू ने पहन दिया, इसका रिंग भी पहना दिया। वाह, तो देखते देखते ये भी बड़ा हो जाएगा फिर। ये भी बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, गॉपिंस का चीख से अभी भी मांग रहा है थोड़ा, शायद अभी भी खाना चाहिए इसको। छोटा बच्चा है ना। अच्छा, आप इसको फीडिंग क्या देते हैं, मतलब किस चीज़ से देते हैं? नेस्टम है, नेस्टम खाता है। अच्छा, नेस्टम। नेस्टम टू। अच्छा, एंड A19। अच्छा अच्छा अच्छा, A19 या नेस्टम दोनों मिला के देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आज दिन में 6 बार 7 बार करके खाना देना पड़ता है। रात को भी आप देते हैं? थोड़ा कम भी हो जाएगा। लास्ट फीड रात में, आज रात में 12 बजे। हाँ। और शुरू होता है 2:30 बजे से 3 बजे। हाँ, तो कौन खिला था उन रात को भाई इसको? हम लोग है, वो खिलाएगा नहीं तो आप लोग को। तो आप लोग को नींद तो नहीं होता है? आप लोग सोते कहाँ पे? यही तो नींद है, हम लोग तो अभी नींद में है, काम नहीं करने से नींद होता है। ग्रेट, मतलब देखिए फ्रेंड्स, इसको नन्हे से जान को पालने के लिए सैद जी मैडम जी कितना मेहनत करते हैं। रात 12 बजे तक खिलाते हैं, उसके बाद 2:30-3 बजे उठ के भी इसको खिलाना पड़ता है। इसको बोलते प्यार बोलिए या मोहब्बत बोलिए या जिम्मेवारी बोलिए, यही है फ्रेंड्स, यही कमिटमेंट होता है, यही बॉन्डिंग होता है और कुछ नहीं। দেখছে মানে আরো আর আর খাবার দেবে কিনা তাই দেখছে। দেখছে আর আলো এসেছে, চোখ ফুটেছে তো, ফোটা অবস্থা মার কাছ থেকে এসেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে এসে চোখটা ফুটলো। ওই বাক্সটা কভার করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ। इसको কাকু कैसे रखते हैं वो भी दिखाते हैं, 2-3 दिन के उम्र में कि कौन सा बॉक्स में रखा था वो भी थोड़ा देखते हैं। फियर फ्रेंड्स, इस गोविंद का ए घर है, 2-3 दिन उम्र से इधर रहता था। हम ये क्या बनाया है आपको बताएगा। हाँ, ये जो है वुड सेविंग से। हाँ हाँ, काठेर गुड़ो। हाँ, ये इसका नेचुरल जिसे में जो नेस्ट बॉक्स रहता है, क्या जो जो वाइल्ड में भी ऐसा जगह में पार रखता है। हाँ, ये पार इसमें ही रखता है वुड सेविंग्स में। हाँ, से उसके लिए ये दिया। अच्छा, ये इतना बड़ा गड्ढा में तो नीचे रहता है। हाँ, काफी डीप रहता है, काफी डीप रहता है। हाँ, उधर में बाहर का टेम्परेचर नहीं आता है। हाँ, हाँ, तो उसके लिए टेम्परेचर देने के लिए हम इधर में एक बल्ब लगाया। अच्छा, अभी बल्ब क्यों कवर किया? सो दैट दी आईज आर नॉट अफेक्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खाली डाल देने से इतना लाइट तो नेस्ट बॉक्स के अंदर में नहीं होता है। नहीं होता है, खाली टेम्परेचर होता है। देखो ये टेम्परेचर गर्म है, इसके लिए ये दिया 15 वाट का बल्ब दिया। नहीं, जब ये 2-3 दिन का उम्र में आप रखे थे तब भी क्या ऐसे ही रखते थे? हाँ? तब ओपन था, ऐसा ही था। ओपन रहने से तो आँख खराब हो जाएगा। अच्छा, वो उसका नहीं, तब तो उसका आँख बंद था, तब भी उसके ऊपर तो खाली ऐसा बंद था। हाँ, अभी ये बंद रहने से भी हम तो इसका हाँ इफेक्ट आता है, रश्मि का इफेक्ट आता है, तो आई के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। ओ, तो इस वजह से ऐसे आपने उसको कवर कर दिया था ऐसा? हाँ, किया ये सेविंग्स दिया सो दैट पायर नहीं खराब होता है। हाँ, और ये दिया खाली टेम्परेचर रहता है, इतना लाइट नहीं आता है। वाह, और ये डाल के हम ये डाल देता है कवर कर, इतना खोला रहता है सो दैट वेंटिलेशन मतलब। तो 2-3 दिन का उम्र में काकू इसको ले आए और कितना कुछ सोच के, कितना कुछ एक्सपीरियंस काम में लगा के इसको सर्वाइव किया। और अभी तो ये 20 डेज का हो गया, अभी देखिए इसका फेदर भी आ गया है और कुछ दिन में ये बड़ा भी हो जाएगा। काकू का फैमिली में क्रेस्ट आने का जगह है। हाँ, क्रेस्ट आने का जगह मैं देखा था। हाँ ठीक है काकू, बंद कर दीजिए। अच्छा, थोड़ा गोपाल भी प्यार कर लिया। गोपाल को कभी अच्छा लग रहा है? गोपाल कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी हम बताएगा हम इससे क्यों नहीं फीड करते हैं। हाँ हाँ, ये तो फीडिंग नीडल है। हाँ चलो बैठा।
तो नीचे आ गए फ्रेंड्स। तो हैंड फीडिंग जो हम लोग करते हैं, अभी तो काफ़ी सारा लोग हैंड फीडिंग करते हैं, 95% लोग चिक्स उठा लेते। एक्चुअली मेरा जो मानना था, मेरा जो जानकारी था, कि हम लोग इमरजेंसी में बर्ड्स को उठा लेते उसको बचाने के लिए, जब उसका माँ या उसका पेरेंट्स फीडिंग नहीं कर रहा है या मरने का चांसेस होता है। लेकिन अभी सर जी ये देखा हूँ, मतलब ये अभी लोगों का पैशन हो गया है तो चीज को जल्दी से उठा लेंगे। पैशन नहीं, प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन हो गया, पैशन नहीं। अरे उसका चीख से उसका माँ बाप का, मतलब पेरेंट्स को ड्यूटी है। वो नहीं करेगा तो हम हमारा बच्चे के क्रेश में भेज देगा, और बच्चे को क्रेश देखेगा हम आनंद फुर्सी करेगा। सब उसको उठा ले रहा है हैंड फीडिंग के लिए, वो जो बड़ा हो रहा है वो भी अपना एक को हैच नहीं कर रहा, अपना चीज को नहीं खिला रहा है, मतलब अनबैलेंस हो जा रहा है, कभी मतलब डिसबैलेंस हो जा रहा है। हमारे पास 7-8 दिन पहले एक फोन आया था। हाँ, बहुत अच्छा ब्रीड करता है, बहुत बिक्री करता है वो बाजार में। अच्छा। तो हमको फोन किया, काकू हमारा एक प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्या बोले, एक जोड़ा सानकॉन्यूर बहुत कीमत से लिया, रेड फैक्टर सानकॉन्यूर। अच्छा। तो वो अंडा देता है, अंडा देने के बाद बच्चा होने के साथ साथ ही वो निकाल के चला जाता है, बच्चों को खिलाता नहीं है। नहीं, बच्चों को खिलाता नहीं है। तो हम बोला हमको क्या करना है, हमने तुम्हारे पास दूसरा सानकॉन्यूर है? बोले हाँ, 3-4 जोड़ा 5 जोड़ा है। क्या करते हैं उन लोग बच्चे को? तो 7-8 दिन उम्र में हम निकाल के फीड करते हैं। और एक चीज़, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी ये पार्ट काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जो हैंड फीडिंग करते हैं, चीज़ को उठाते हैं, क्यों हैंड फीडिंग करना है, क्यों हैंड फीडिंग नहीं करना है, या चीज़ को अपना पेरेंट्स का अंडर ही उसको पालना चाहिए कि नहीं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सीरिंज हम लोग करते हैं, ये सीरिंज ठीक है कि नहीं, कैसे हैंड फीडिंग करना चाहिए, उनका हैबिट, मतलब जब हम इमरजेंसी में उसको उठाते हैंड फीडिंग करते, किस तरह हैंड फीडिंग करने से उनका हैबिट रहेगा, जो बड़ा होगा अपना चीज़ को भी खिलाएगा, अपना चीज़ को भी पालेगा, वो सब चीज़ ही हम लोग सर जी से जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट से, क्योंकि ये पार्ट कभी बड़ा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में और भी डिटेल से हम लोग ये सब जानेंगे सर जी से। तो आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं लास्ट पार्ट में ये सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।